ये है हरे भरे आम के बागों से ढका नवाबी शहर फर्रुखाबाद। गर्मियां शुरू होते ही आम हर घर की चाहत बन जाती है। आंधी अंधड़ आते ही घरों में आम के अचार डालने की तैयारी शुरू हो जाती। लू से बचने के लिए रोज दोपहर आम का पन्ना सर्व किया जाता। बरसात शुरू होते ही आम अपनी खुशबू बिखेरनी शुरू कर देता। सुनने में आश्चर्य लगेगा किंतु है बिल्कुल सत्य। हमारे यहाँ लखपेड़ा आम के बाग थे, मतलब ऐसे बाग जिनमें 100,000 आम के देशी व कलमी पेड़ थे। गर्मियों की छुट्टी होते ही नाती पोते दादा दादी नाना नानी के पास गांव आते। नाश्ते में सुबह ठंडा मैंगो शेक, दोपहर आम का पन्ना, और अगर भोजन के साथ आम का अचार न हो तो सब बेकार। आमों की वैरायटी का आलम ऐसा कि आमों को फलों की खुशबू के आधार जाना जाता। जैसे आड़ू आम, आकार आड़ू सा, गूदा व महक व स्वाद भी आड़ू का। छोटी सी मेवा आम इन स्वाद में बिल्कुल मेवा। सोया आम, ताशीर ऐसी कि सब खाया पिया पचा दे। वैसे तो आमों की अनेकों वैरायटी है। लंगड़ा, बम्बई, सफेदा, तोता परी, चौसा आदि आम इस क्षेत्र की उपज है, लेकिन सबसे ज्यादा पसंदीदा है मलिहाबादी दशहरी आम। बदकिस्मती की आज दशहरी के दाम 200 रुपये किलो पर आसमान छू रहे हैं। अगर हम शुद्ध पेय की बात करें तो मैंगो जूस सर्वश्रेष्ठ पेय है। गर्मी को मात देने वाला पन्ना प्रकृति की देन है। मन की संतुष्टि के लिए चूसकर आम खाना जरूरी है। शायद कोई घर होगा जहां आम की सूखी अचारी, तेल में आम का अचार न डाला जाता हो। गुठली सुखा ली जाती, दाल या रसीली सब्जियों में डाल इसे स्वादिष्ट बनाया जाता। सही कहा गया है आम के आम गुठलियों के दाम। आम को सभी फलों का राजा यूं ही नहीं कहा गया।